थ्रेशोल्ड एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। ओके सुनिए बाबू, ये तीनों एनर्जी में क्या डिफरेंस है, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे मानो कि हम जो है एक मोबाइल दुकान गए और उस मोबाइल दुकान में हम गए मोबाइल खरीदने, ठीक है। मोबाइल जब खरीदने गए तो उस मोबाइल का दाम था 11,000, कितना था 11,000, लेकिन मेरे पास था 10,000 रुपया। तो जो आपके पास होती है पहले से उसी को कहा जाता है नॉर्मल एनर्जी। मतलब मेरे पास पहले से कितना है 10,000, वो मेरा क्या हुआ नॉर्मल एनर्जी। अच्छा एक्स्ट्रा कितना एनर्जी लगेगा बाबू रे, अब एक्स्ट्रा कितना रुपया लगेगा, 1,000 और लगेगा। अरे 1,000 अरे 10,000 मेरे पास है, मोबाइल था 11,000 का, तो 10,000 मेरे पास पहले से है ऑलरेडी। तो जो बाबू मेरे पास पहले से है उसको कहते हैं नॉर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं नॉर्मल एनर्जी। जो एक्स्ट्रा चाहिए जैसे 1,000 और चाहिए उसको कहते हैं बाबू एक्टिवेशन एनर्जी। यानी हमको 1,000 और चाहिए तो उसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ओके अब सुनना बाबू, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस दोनों को मिला के जितना हुआ, मतलब जो मेरे पास था पहले से वो और जितना एक्स्ट्रा लगा उसको लगा के जो होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना हुआ बाबू, 11,000 रुपया। 11,000 रुपया। तो अब आपको अच्छा से पता चल गया होगा, क्या जल्दी बोला, ध्यान देना, जल्दी ध्यान सुनो कि कोई भी रिएक्शन में बाबू ध्यान दे रहे, कोई भी रिएक्शन में कौन कौन दिखता है, तो रिएक्टेंट दिखता है और कौन दिखता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट दिखता है और कौन दिखता है प्रोडक्ट। तो गौर से सुनना, किसी भी रिएक्टेंट के पास, किसी भी रिएक्टेंट के पास, किसी भी रिएक्टेंट के पास पहले से जो एनर्जी होता है, अरे कुछ न कुछ तो पहले से भगवान देवे ना, क्या होगा ना, तो पहले से जो एनर्जी है उसको क्या कहेंगे नॉर्मल एनर्जी। अभी जस्ट बताएं, जो पहले से होता है उसको नॉर्मल एनर्जी। आप जानते हो बाबू उसी एनर्जी पर कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है, जैसे मानो H2 और I2 के पास 10 जूल है तो उसी एनर्जी पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए। तो क्या लगता है बोलो, इसके पास जो एनर्जी है यानी नॉर्मल एनर्जी, क्या उसी पे ये प्रोडक्ट बना लेगा, नहीं भैया एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा। तो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी देते हो उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके और जब ये देते हो तब जाके रिएक्शन बन के प्रोडक्ट बनता है। तो इसके और इसके एनर्जी के जो सम है, यानी कि जो मेरे जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी था उसको नॉर्मल एनर्जी, जो आपने दिया उसको एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों को जोड़ के जो होगा वही होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एक बात, क्या ये लिख सकते हैं, देखो तो ये लिख सकते हैं TE यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू बाबू नॉर्मल एनर्जी यानी NE प्लस एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि AE। अच्छा बाबू ध्यान दो, देखो क्या बोले, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है टोटल किसको किसका किसका टोटल, नॉर्मल एनर्जी का और एक्टिवेशन एनर्जी का, नॉर्मल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी बाबू। इसीलिए इसका फॉर्मूला कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है TE इज इक्वल्स टू NE, मतलब नॉर्मल एनर्जी, ठीक है बाबू। और एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत जगह पे EA भी लिख देता है EA। तो बाबू आप लोग घबराइएगा मत, EA मतलब भी होता हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, क्यों हुआ समझो, है देखो रे ई और ए मतलब एक्टिवेशन, ई मतलब एनर्जी, ठीक है। तो ये है बाबू फॉर्मूला, ये तीन एनर्जी से मुलाकात आप लोग कर लिए, एक बार फिर से बता दीजिए आप लोग, सुनना ध्यान से कि सुनना, जैसे मेरे पास जो एनर्जी है, या मान लो कोई रिएक्शन, ध्यान दो रिएक्शन पे ही समझो क्योंकि मेरे तेरे से यहां जरूरत नहीं है, यहां बाबू रिएक्शन पे ही अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। जल्दी बोलिए, अगर मैं लेता हूं H2 प्लस I2 और बनता है अगर 2HI, ठीक है। तो मानो इसके पास जो एनर्जी है पहले से जो एनर्जी है उसको कौन सा एनर्जी कहेगा, जल्दी बताओ, इसके पास जो पहले से एनर्जी है उसको क्या कहेगा, जल्दी बाबू, इसके पास जो पहले से एनर्जी है उसको क्या कहोगे, नॉर्मल। बहुत अच्छा बाबू रे, इसके पास जो एनर्जी है उसको क्या कहोगे, नॉर्मल। अच्छा क्या इसी एनर्जी पे ये रिएक्शन कर लेगा, यस और नो, क्या इसी एनर्जी पे ये रिएक्शन करेगा, यस और नो नो बाबू जल्दी नो, हाँ ओके थैंक यू बाबू, ध्यान सुनिए नो, बिल्कुल सही, उस पर नहीं करेगा। अच्छा उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए बाबू रे, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जल्दी बोलो, जो एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी जो देंगे उसको एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत अच्छा बाबू, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी जो देंगे उसको एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा अब जल्दी बोलो, इस एनर्जी यानी जो तुम एक्स्ट्रा दिया उसको और जो पहले से था उसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा जल्दी बाबू,
हाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, बहुत अच्छा बाबू रे, आप समझ गए होंगे कि अगर इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, अगर इसको इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा बाबू थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसीलिए हम लोग लिखे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ओके चलिए यहां तक